हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू, और आज चेला में इमाम हुसैन है। तो हम सब जा रहे हैं, पीछे बच्चा पार्टी आ चुकी है मेरे घर के नीचे, असल लोगों को वहाँ से निकाला है। हम जा रहे हैं, वो ज़रा वहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं अपनी। तो आज हम लोगों ने पैदल जाना है यहाँ से तकरीबन नुमाइश तक, शाह फैसल एयरपोर्ट के पास से लेकर कैद आज़म की मज़ार तक पैदल जाएंगे, और आप लोगों को दिखाएंगे क्या रूहानियत होती है जुलूस की। क्या बताऊं मैं आपको यार, बस अल्फाज में बयान करने वाले इतनी रूहानियत, पता भी नहीं चलता बंदे को पैदल। हालांकि जहाँ बंदा पैदल रहता है लेकिन कोई पता नहीं होता, ना कोई थकावट होती है ना कुछ, ना कहाँ यहाँ से जाना है, नुआ पढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आप लोग साथ रहिएगा और आपको मैं दिखाता हूँ आज जुलूस। तो फ्रेंड्स, सफ़र शुरू हो गया है हमारा यार। फ्रेंड्स, हम जरा पहुंच चुके हैं कॉलोनी गेट की तरफ। ये कॉलोनी गेट है हमारा, काफला वाला तैयार हो के चल चुका है और हम कॉलोनी गेट पहुंच गए हैं। सैयद भाई, हसन भाई, सब पीछे आज़ादार आ रहे हैं, आगे भी काफ़ी ज़्यादा आज़ाद आ रहे हैं। गैप गैप के साथ जुलूस जो है मंजिल की तरफ रवा दवा है। तो इंशाल्लाह लोग तकरीबन 12-1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी कॉलोनी गेट पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, हम जी रोड क्रॉस कर गए हैं, चल रहे हैं। मेरा रास्ता बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल फ्रेश है। सही है भाई, थकावट वगैरह महसूस तो नहीं हो रही ना? ना ना ना, इतनी नियाज है। ये सफ़र ही ऐसा है कि पता भी नहीं चलता, आप जितना मर्जी चल लें थकावट महसूस नहीं होगी। माशाल्लाह हर जगह पर नियाज मिल रही है, बिल्कुल पानी जूस वगैरह हर चीज़ मिल रही है। ऐसा टाइम पता भी नहीं चल रहा, ज़रा सही थकावट नहीं हो रही। हालाँकि घर से चले हैं और डिग रोड क्रॉस कर लिया है, अब आगे कारसाज, अब तो करीब लग गए हैं कारसाज में। थोड़ा सा नियाज वगैरह बांटनी है, बरतानी है जो कि हमारी जबान में बोला जाता है, वो देंगे फिर इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे। आज बैठो दिखाओगे? जज़ाकअल्लाह सर, मेरे पास ये तो वहीं मिलते हैं आपसे। तो जी फ्रेंड्स, हमने कारसाज क्रॉस कर लिया है, जो नियाज थी हमने वो भी अपनी बांट ली है।
इतना सुकून वाला सफ़र मैंने ज़िंदगी में किया, ना कुछ थकावट सब कुछ, बस दिल कर रहा है मतलब चलते ही रहे और वो चल रहे हैं। और ये देखो सिर्फ हम भी छोटे छोटे बच्चे भी, मैदी लोग भी उससे छोटे भी वो भी चल रहे हैं, माओ ने बच्चे उठाए हैं। ये इधर अगर कैमरा आप करो ना हाजी भाई, नहीं ऐसे देखो लोग चप्पलों के लोग चल के जा रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं बिल्कुल। और ये ज़्यादातर लेडीज ने माशाल्लाह फ्रेंड्स, हम लोग ज़रा जो कि नुमाइश को रोड अटैच करता है ना, मतलब कि जो पुल अटैच करता है शहर फैसल से इंटर होते हुए, वो हम उतर गए हैं जा रहे हैं। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ पैदल चल रहे हैं। सैयाब है, ताश है, मैदी है, दरियाब है, हमारे से तो छोटे ही होना। हाँ ये भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, और इतनी न्याजें क्या बताऊँगा, करबला जाने की ख्वाहिश हो गई है इसको देख के, और न्याजें उसको पैदल इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो आप साथ रहिए। माशाल्लाह फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग ज़रा पहुंच चुके हैं कैद आजम के बाज़ार के पास। यहीं जुलूस इकट्ठा होकर भी आपको जुलूस दिखाएंगे, और अभी आपको दिखाता हूँ कैद आजम वाले रोड पे ही चल रहे हैं, बहुत चले हैं आज हम लोग, लेकिन कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सारा दिन भी बंदा चलवा लो तो टेंशन नहीं, इस तरह फ्रेश है। अभी तो व्लॉग वगैरह भी कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ आवाम आज़ादार दिखाता हूँ जो कि आए हैं पुरस्कार देने, आप देखिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम जुलूस के अंदर पहुँच चुके हैं। अब आवाम देखिए इतनी ज़्यादा आवाम है, इतने ज़्यादा आज़ादार आए हुए हैं पुरस्कार देने, क्या रुहानियत है। अल्लाह पाक कभी हमारे को ईरान इराक बुलाए, अगली अरब बहन हमारी वहाँ पर आवाम देखिए। तो फ्रेंड्स, जुलूस ख़त्म हो गया है, वापस जा रहे हैं। तो आपने देखा आज का लोग जेलों के हवाले से था, बस बैठ के वापस जा रहे हैं। इसी तरह ये वाला व्लॉग एड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बाय बाय।